कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और ये देखिए, मैं तैयार व्यार होके सर्दी में, ठंड में, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बजने वाला है। पतिदेव जी तो चले गए हैं, अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्लब हाउस में। हमारे यहाँ ना वो सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप है सोसाइटी का, बहुत अच्छा। और पता है गाइस, बहुत ही लोग एंजॉय करते हैं, और साथ में एक ग्रुप का होना जरूरी होता है अपना, जो है पता ही है। जबकि आप रिटायर्ड कर जाते हैं तो आपके पास समय होता है, तो ऐसे दोस्त होने चाहिए जो साथ में माने कि बैठ के और अपना एंजॉय करें और टाइम पास करें। तो बहुत अच्छा ग्रुप है, खूब एंजॉय करते हैं वो लोग, खूब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, गाना गाते हैं, भजन गाते हैं और फिल्मी सॉन्ग भी गाते हैं। एक से एक बढ़ के हैं उसमें, एकदम टैलेंटेड। और अपनी जो है कहानी बताते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आज मुझे जितनी नॉलेज है कि शायद साल भर हो गया उस ग्रुप को बने हुए, तो आज उनकी जो है 1 साल पूरे होने के एवज में उन्होंने फंक्शन रखा है। फंक्शन मीन्स अपने ग्रुप का ही। तो मेरे हस्बैंड को अभी 5 साल बाकी है सीनियर सिटीजन में आने में लेकिन अभी से वो आ गए हैं, उसमें जुड़ गए हैं, तो जिसके कारण मुझे भी, मैं भी हूँ उसमें जुड़ी हुई। तो आज फैमिली इन्वाइटेड है तो मैं भी जा रही हूँ। वो तो पहुँच गए हैं नीचे, तो मैं भी जा रही हूँ। देखते हैं क्या सब फन होने वाला है, तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। और पहले भी की हुई हूँ थोड़ा बहुत, यदि जुड़े हैं पहले से तो, और अभी आज जा के कर रही हूँ। ये भी एक नया साल का अभी जो है अभी चल ही रहा है, नया न्यू। पहले का ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, न्यू ईयर क्या हुई उससे पहले से जो मेरी पार्टियां शुरू हुई है ना, चल ही रही है। तो इसलिए चलिए एक और नई पार्टी में, खाना पीना, डांस, मस्ती, मजा, टिन टिन, चलिए चलते हैं, लेट्स रॉक। स्वागत ले अभिनंदन करते हैं, आज सभा में स्वागत ले अभिनंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आज अभिनंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। हो उमा शंकर के प्यारे, होए उमा शंकर के प्यारे, हमारे बनो सहारे, हमारे बनो सहारे। भ्राता, बड़े भ्राता, एससी सेक्शन है सर। आइए मैडम, और श्री सत्यपाल जी प्लीज। ये सारे लोगों का मैरिज और बर्थ नहीं, 3 लोगों के मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे भी है, और सत्यपाल साहब के केवल एनिवर्सरी है। सत्यपाल साहब, मैडम प्लीज आइए। अब प्लीज मैडम, आप लोग अगर साथ में खड़े रहे तो लोगों को पता भी चले कि किसकी पत्नी कौन है, अदला बदली ना हो। हाथ पकड़ के रहिए, हाथ पकड़ के रहिए। हाँ एकदम। अब मैं सब एक दूसरे को पकड़ लीजिए। अनिल शर्मा सर और विष्णु जी से प्लीज चौधरी जी सामने आए, और इन्हें जो फूल देकर के हमें सम्मानित करना है उसके यहाँ बैठे प्लीज। दोस्ती में गिराना नहीं होता है। फिर जिलेबी ना खाएंगे का? तो मैं नीचे आ गई हूँ, और जब पहुंची थी तो पूरा एकदम सारी कार्यक्रम शुरुआत हो गया था। और ये जो देख रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो जिस मंथ में भी जिनका बर्थडे होता है या मैरिज एनिवर्सरी होता है तो उन्हें गुलाब का फूल देके स्वागत किया जाता है ना, कितना बढ़िया। तो ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है और मेरी बर्थडे भी है इनका, तो इसलिए हम लोग को गुलाब का फूल देके स्वागत किया गया। और चलिए बने रहिए, देखिए आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। और कहीं से भी लग रहे हैं कि सीनियर सिटीजन, एकदम ऐसे कहने को सीनियर सिटीजन है लेकिन पूरा ऊर्जा है और जोश में कोई कमी नहीं है। जी।
सांचे भरे जहान में उन्हें छाटो और जितनी भी खुशियां मिले उन्हें बांटो, खुलकर बांटो, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और जख्म दिखाने से उनका एहसास तो होता है। और बीच बीच में आराम कर, बीच बीच में आराम कर, मरने मत दे अपने अरमानों को, मरने मत दे अपने अरमानों को, औकात के अनुसार हसरत कर, रोज सुबह जल्दी उठ, गार्डन जा, दोस्तों से मिल, नियमित रूप से कसरत कर, क्योंकि धन दौलत गाड़ी बंगला अगर तेरे पास है तो ये मत समझ कि तू अमीर है, क्योंकि तेरी सच्ची लाइफ पार्टनर यदि कोई है तो तेरा अपना शरीर है, तेरा अपना शरीर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे दिल पे तुम्हारा है दूत को, आप यहाँ आए खुशी के है दूत को, आप यहाँ आए खुशी कोई है दूत को, दोस्ती के वास्ते मैंने क्या कुछ नहीं किया, दोस्ती के वास्ते मैंने क्या कुछ नहीं किया, आप सभी को प्रणाम करे यहाँ किया, आप सभी को बुला कर किया, जल पान में तुम्हारा है दोस्तों, जल पान में तुम्हारा है दोस्तों, ये वाच को सब ने बनाता है दोस्तों, बगीचा लगैला, बगीचा लगैला, बाग लगैला, बगिया लगैला। इस घर में जो ये खिड़की और झरोखे हैं, ये हमारे बच्चे बच्चियां हैं, तभी तो इन्हें बिल्कुल खुला छोड़ दो, क्योंकि बच्चों को आजादी मिलती है, इनको खुला छोड़ दो, पूरे घर में जीवन रचा बसा रहे, खेल ही खेल में घर की तरफ मोड़ देते हैं, हम घर की सच्चाई छिपाते हैं और घर की शोभा बढ़ाते हैं, अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चलता ना, हम बंद हैं तो रहे भले कुछ भी खास नहीं, फिर भी हम ढेर सारा बता जगत में, तोते से बोली मैं न, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना, श्री राम हुए वनवासी, श्री राम हुए वनवासी, अपनों ने धोखा खाया, वो मौसी अपनी थी, जिसने वनवास दिलाया, वो मौसी अपनी थी, जिसने वनवास दिलाया, है और कभी सुख है, गैरों से क्या मतलब है, अपनों
बच कर तेरे बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। अभी थोड़ा घर जाना पड़ा क्योंकि मेडिसिन लेके नहीं आई थी मैं, इसीलिए तो अभी फिर जा रही हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, तो चलिए अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद डिनर का कार्यक्रम है, चलिए पहुँचती हूँ जल्दी से, नहीं तो कोई अच्छा सा प्रोग्राम छूट जाएगा किसी का। चलते हैं भाई। ये सनी अतुल, मुझे पता ही नहीं था ये गुस्से हुए हैं ये सब। ये सब हम जा रहे हैं, सब हमारे साथी रहते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपकी सेना है? सेना कह लीजिए या हमारे गुरु कह लीजिए। अच्छा नहीं, सर का सपोर्ट है, सर का सपोर्ट है। ये खाने पीने की व्यवस्था चालू है, सलाद वगैरह लग चुका है, क्रॉकरी लग चुका है, और ये देखिए गर्मा गर्म सूप मिला है मुझे पीने के लिए। और सर्दी के टाइम में सूप मिल जाए तो आह, इससे बढ़िया क्या है। और अब कार्यक्रम समापन की ओर है, अब सब एक साथ डांस वांस जिनको करना होगा फ्लोर पे आएंगे। तो देख रहे हैं ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, और इन सबको देख के आपको लगता है कि ये सब रिटायरमेंट के बाद वाला ग्रुप है कहीं से भी, क्योंकि वो कहते हैं ना एज का जो नंबर होता है जस्ट ए नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप इतने टाइम तक ऑफिस का वर्क होता है, फैमिली का वर्क होता है, आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपना पति पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। तो ऐसा कोई ग्रुप है तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए और साथ में एंजॉय करना चाहिए, या जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो काम करना चाहिए। और अपने ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई अब हमारा तो समय हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस समय को भी उतना ही एंजॉय से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, और अपने आप को इससे ना तरोताज़ा रखता है लोग, थोड़ा जीने की तमन्ना भी बढ़ती है एक दूसरे को देख के। तो फुल एंजॉय कीजिए, और मैं भी यदि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। तो अब वीडियो मैं करती हूँ क्लोज, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
पतिदेव जी भी बाय बाय कर रहे हैं, चलिए मिलते हैं में, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चलिए ओके बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।